आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कोविड अस्पतालों एवं निजी प्रयोगशालाओं में शासन द्वारा निर्धारित रेट से अधिक रेट की शिकायत दर्ज कराने के लिए मंडलायुक्त के साथ ही गोरखपुर न्यूज चैनल ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। पीड़ित दर्ज करा सकते हैं अपनी शिकायत, होगी अवश्य कार्यवाही। जनपद कुशीनगर में पंचायत चुनाव के मतदान स्थल का एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर एवं डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने किया निरीक्षण। कहा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। जिलाधिकारी के विजय पांडेय ने किया कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का निरीक्षण। कहा, बढ़ाई गई है व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन और बेड की संख्या में नहीं होगी कोई कमी। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने गुरुवार को किया गीडा स्थित अन्नपूर्णा गैस प्लांट का निरीक्षण। कहा, 30 अप्रैल से शुरू होगा प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन, कोविड मरीजों को मिलेगी राहत। दो मई को जनपद में होने वाली मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी, जिलाधिकारी ने कहा। कोविड 19 प्रोटोकॉल के तहत कराई जाएगी मतगणना, प्रत्याशी एजेंट और मतगणना कार्मिकों का होगा कोविड जांच। कोरोना प्रभावित मेगा कंटेनमेंट जोन का एसपी सिटी एवं एडीएम सिटी ने किया स्थलीय निरीक्षण। कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग के साथ आवागमन पूरी तरह किया प्रतिबंधित। कहा, ऑनलाइन होगी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 1015 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 40,418। अब तक 438 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 10,258 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ पंचायत चुनाव की मतगणना संबंधित बैठक। कहा, मतगणना केंद्र पर बनेगा कोविड हेल्प डेस्क, जांच के बाद ही मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों और एजेंटों का होगा प्रवेश। वार्डो में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नगर निगम चला रहा है सैनिटाइजेशन का महाअभियान। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, चौक चौराहों, मार्केट, हॉस्पिटल सहित अंत्येष्टि स्थल को किया गया सैनिटाइज। कोरोना महामारी के मद्देनजर आरटीओ ने आवेदकों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 2 से 15 मई तक बुक कराए गए स्लॉट की तिथि में किया परिवर्तन। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने कहा, 15 जून तक बढ़ाई गई बुक कराए गए स्लॉट की तारीख। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के मतगणना कार्मिकों को गुरुवार को भी दिया गया प्रशिक्षण। मुख्य प्रशिक्षक ने कहा, 2 मई को मतगणना कार्मिक विकास खंड पर पहुंचकर सकुशल संपन्न कराएंगे मतगणना। जनपद में जिला अस्पताल सहित 84 बूथों पर 45 साल से ऊपर के 7,410 नागरिकों का किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। सोशल डिस्टेंस के साथ लोगों ने कराया वैक्सीनेशन, नहीं हुई कोई दिक्कत। और शासन के निर्देश पर लगाए गए नाइट कर्फ्यू का गुरुवार को भी देखने को मिला असर। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, एसपी सिटी ने कहा, जनता का मिल रहा है भरपूर सहयोग, सफल रहा नाइट कर्फ्यू।